हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी प्याज के पकोड़े। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाती है। चलिए इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक बड़ा सा प्याज कटा हुआ, 3 टेबलस्पून रिफाइंड फ्लावर अर्थात मैदा, 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर चावल का आटा, 1 चॉप्ड ग्रीन चिली, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। सबसे पहले एक बर्तन में एक एक कर सारे इंग्रेडिएंट्स को डालेंगे। मैदा डालेंगे, चावल का आटा डाल दिया, अब इसमें हल्दी डालेंगे, मिर्चा पाउडर डालेंगे, अब डालेंगे इसमें हम स्वाद अनुसार नमक। नमक को डालने के बाद हम इसमें हल्का सा तेल डालेंगे और इसे अच्छे से तेल डाल के मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम तेल डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और वे एक विस्कर के हेल्प से इसे मिक्स करेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक स्मूथ बैटर रेडी करेंगे। हमारी बैटर रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे कटा हुआ प्याज, कटा हुआ हरा मिर्चा, इसे भी एक साथ मिक्स कर लेंगे। रेडी हो गई है हमारी बैटर। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए देंगे। सरसों तेल से हम इसे बना रहे हैं, इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसे गर्म तेल में डालते जाएंगे। अब एक एक कर सारे पकोड़े को हम तेल में डाल देंगे। ये प्याज के पकोड़े बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन के रेडी हो जाती है, बहुत ही टेस्टी बनता है। मॉनसून के टाइम में इसे बना के खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब ये इधर एक साइड से गोल्डन हो गया है, हम दूसरा तरफ से इसे टर्न कर देंगे और दोनों तरफ से अच्छा से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही क्रिस्प बनती है, बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है। ऑलमोस्ट हमारा पकोड़ा बन के रेडी हो गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। एक बैच हमने फ्राई करके निकाल लिया है। अब हम तेल में दूसरा बैच फ्राई होने के लिए डालेंगे। इसे भी हम एक एक कर डाल देंगे फ्राई होने के लिए और दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। आप इस पकोड़े को ज़रूर बनाइए। बहुत ही जल्दी बनने वाली टेस्टी पकोड़ा का रेसिपी है ये। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।